हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेताओं को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है और मुख्यमंत्री को अपनी भाषा शैली को सुधारने की नसीहत देते हुए कांग्रेस नेताओं को धमकियां न देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस भाषा में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उसी भाषा में कांग्रेस को भी जवाब देना आता है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं को धमकाने की कोशिश न करें। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर को धमकी भरे अंदाज में जाँच की चेतावनी दी है, जबकि उस मौके पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री अपने आप को शालीन नेता कहते फिरते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने उपयोग की है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जयराम सरकार को 3.5 साल का कार्यकाल हो गया है, तो अब तक जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? हिमाचल दिवस के पावन पर्व पे मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देने की बजाय प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी जाती हैं, और आज तक ये रिवायत रही है कि शुभकामनाएं दी जाती हैं, और मुख्यमंत्री ने इस मौके पे शुभकामनाओं के से हटके ये संदेश दिया प्रदेशवासियों को कि कांग्रेसी खाल में रहें। ये कभी नहीं हो सकता, कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा होगा ऐसे पावन मौके पे। और मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत मौके पे ये बात कही है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने धमकाऊ शैली का इस्तेमाल किया है। धमकाने की कोशिश मत करें कांग्रेस लीडर्स को, 3.5 साल से आप सत्ता में हैं और अब आप जो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो कहते हैं कि मेरे जैसी भाषा शैली का व्यक्ति पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन आप क्या क्या लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की है। लेकिन आप जाके वहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह को जिस तरीके से आपने धमकी दी है और जिस तरीके से आपने ये कहा है और दोबारा कहा है कि जांच आपसे ही शुरू हो जाएगी, तो आप जो है आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश मत करो। आप जो है कांग्रेस के नेताओं को धमकाने की कोशिश मत करो, ना कोई धमकेगा। और आपसे आग्रह करती है कि आप अपनी भाषा शैली की तरफ ध्यान दें, अन्यथा जैसी भाषा बोली जाएगी उसी भाषा में पलटवार होगा। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार हर रोज़ फैसले लेती है और उन्हीं फैसलों को बदलती रहती है। प्रदेश में दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इससे निपटने में सरकार की कोई तैयारी नहीं है। ईटीवी भारत के लिए शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट।